आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत बारां जिले में आज से पोषित लाडो अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं को एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें पोषण की कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के पहले चरण में 12 के समस्त 38 राजकीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रह रही छात्राओं की रक्त की जांच की जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें करीबन 3,500 बच्चियां हमारी हैं, उनका हम सबसे पहले आज से ही जो बेसलाइन डेटा है वो शुरुआत कर रहे हैं। उन सभी का 7 दिन के अंदर सभी का सर्वे कराया जाएगा, सभी का टेस्ट होगा, हीमोग्लोबिन की जांच करी जाएगी। उनके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि अगर 8 से कम आता है हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, 8 से 10 क्या होगा, 10 से ऊपर आता है तो क्या होगा, और उसके आधार पर उनका जो हमारे आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो, और प्रोटीन के जो सिरप्स हैं वो, और कुछ फोर्टिफिकेशन की भी हमने तैयारी करी कि हम उनको खाने में भी फोर्टिफिकेशन और देंगे। पोषित लाडो अभियान के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट आज से 7 दिन के लिए बेसलाइन डेटा एकत्रित करेगा। हीमोग्लोबिन लेवल सभी का किया जाएगा, उसके बाद जो बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल आएगा उसके अनुरूप या तो आयरन की गोली उनको डेली बेसिस पे दी जाएगी, 11 ग्राम से कम है, अगर उससे भी 11 ग्राम से 9 ग्राम के बीच में, अगर 9 से कम आएगा तो हम आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन भी उनको देंगे। साथ में जो हमारी प्रोटीन की सिरप है और मल्टी विटामिन्स की सिरप है वो भी इन बच्चों को एज ए सप्लीमेंट के तौर पे इनको देंगे। अच्छा अभियान है, इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तो हमें पता चल सकता है, हम इसका इलाज करवा सकते हैं, और अगर किसी के ब्लड की कमी हो तो यहाँ इलाज भी है और दवाइयाँ वगैरह सभी सुविधा है। यह अभियान बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है या फिर कुछ और बीमारी हो तो, और खून की कमी हो तो यहाँ साथ साथ इलाज भी मिल रहा है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है।